बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बी एफ सी सेमेस्टर न्यू एडमिशन हुए उनको हम लोगों ने डिस्कस करना था। उसके लिए स्कीम के लिए कुछ डिफरेंट हुई थी कि जो न्यू सेमेस्टर है वो न्यू एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ है, वो टोटल 5 सेमेस्टर पढ़ेंगे। एक ब्रिजिंग सेमेस्टर, देन आफ्टर उसके 4 सेमेस्टर पढ़ेंगे जो कि एम एस सी वाले बच्चे पढ़ते थे। बट अब उसकी स्कीम में कुछ चेंजिंग आई हैं, क्योंकि इसमें ये फ्लॉ आ रहा था कि बच्चों को 5 सेमेस्टर पढ़ने थे, 5 और साथ में एक और प्रॉब्लम आ रहा था, उन्हें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा, यानी कि उन्हें 2.5 साल में डिग्री होनी थी, उन्हें बी एस की डिग्री मिलनी थी। तो इसके लिए फिर यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसाइड किया कि इनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनकी डिग्री 2 ईयर्स में कम्प्लीट हो जाए, और जो ब्रिजिंग सेमेस्टर के कोर्स हैं इनको हम रेगुलर सेमेस्टर के कोर्सेज के साथ ही ऑफर कर दें। अब इसमें कुछ इस तरह से चेंज आएगी कि यानी कि ये बच्चे बीएस 5 फिफ्थ 6 सेवन्थ 8 सेमेस्टर पढ़ेंगे, पर हर सेमेस्टर के साथ कुछ कोर्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब हर डिपार्टमेंट ने उसके रिस्पेक्ट से स्कीम बनाई है, वो आपके जो जौन सा डिपार्टमेंट है वो और अपने एफिलिएट कॉलेजेस और जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देंगे। जो मैथ सेमेस्टर हम लोगों ने जो प्रपोज़ किया उसमें हम लोग जो न्यू सेमेस्टर न्यू एडमिशन है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सारे कोर्सेज पढ़ेंगे, एडिशनली वो कोर्स पढ़ेंगे साथ में अब इस आपके सामने फिफ्थ सेमेस्टर की जो स्कीम है आप सामने है उसमें टोटल 7 कोर्सेज हैं। उसमें 6 कोर्सेज वही वाले हैं जो कि बी एस फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें एक एडिशनल कोर्स है जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, ये डिस्क्रीट मैथ, यानी ये डिस्क्रीट मैथ का एडिशनल कोर्स बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस कोर्स को उन्होंने बीएस में नहीं पढ़ा होता। हम लोगों ने बीएस मैथ की डिग्री देनी है, बीएससी प्लस ये सारे कोर्सेज जो डेफिशिएंसी कोर्सेज और जो प्लस 5 5th 6th 7th 8 कोर्सेज के सेमेस्टर बच्चे पढ़ेंगे। तो अभी इन बच्चों ने ये 7 कोर्सेज पढ़ने, 6 कोर्सेज जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, और जो इसके बाद सेकेंडली जो है एक एडिशनल कोर्स है डिस्क्रीट मैथ का, और इस सेमेस्टर को भी अभी फाइनल नहीं हुआ नेम, अब इसको हम ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं कहेंगे, पहले हम इसको ब्रिजिंग सेमेस्टर का नाम दे रहे थे कि यानी कि ये ब्रिजिंग सेमेस्टर है जो लोग एडीएस से या बीएससी से आए हैं और नेक्स्ट बीएस को साथ ज्वाइन करने के लिए जो ब्रिजिंग सेमेस्टर होगा। बट क्योंकि अब इस तरह से इसकी नहीं रही, उनका अब ये रेगुलर कोर्स पढ़ रहे हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का, तो इसलिए इसका नाम भी बीएस फिफ्थ सेमेस्टर ही हो जाएगा। मे बी इसको अकॉर्डिंगली इसको सेक्शन वाइज सेपरेट कर दें या कुछ इस तरह से सेक्शन बी सेक्शन ए बना के, यानी जो ऑलरेडी स्टूडेंट को सेक्शन ए कह दें और इसको सेक्शन बी कह दें, मगर अब इसकी जो ब्रिजिंग सेमेस्टर वाली टर्मिनोलॉजी है वो फिनिश हो जाएगी और ये रेगुलर जो है सेमेस्टर की तरह सेमेस्टर 5 हो जाएगा और सब कुछ एडिशनल सेमेस्टर। ये मैं आप लोगों के साथ जो फॉल 2021 के अंदर जो कोर्सेज पढ़ने हैं वो शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद स्प्रिंग के अंदर जो हम लोग स्कीम बनाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में शेयर कर दूंगा। अब इसके साथ ही जो है रियल एनालिसिस, इसकी कोर्स स्कीम आउटलाइंस और इसकी रिकमेंडेड बुक्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस की, इसके साथ अलजेब्रा 1, वेक्टर एंड टेंसर एंड पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और जो एडिशनल कोर्स डिस्क्रीट मैथ, इसकी कोर्स आउटलाइन यहाँ पे गिवन है और इसकी बुक्स भी यहाँ पे गिवन मैंने शेयर कर दी हैं, सर लिखी हुई हैं। तो इसकी जो सारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है बीएस फिफ्थ न्यू एडमिशन की, ये इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दें, जो कॉलेजेस हैं अपने प्रिंसिपल हैं अपने जो मैथ पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दें। और जो ये वाला जो भी बीएस फिफ्थ न्यू एडमिशन है कुछ कॉलेजेस में, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस वो रेगुलर बीएससी करवा रहे हैं वो इसमें नहीं ले रहे, जो भी कॉलेजेस ने या गवर्नमेंट या प्राइवेट ने फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन किया उनके साथ वो उन्होंने इस स्कीम के साथ ही चलना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।